चित्रपटाचं देखील संगीत केलेलं आहे. मे आय कॉल ऑन स्टेज द ड्युओ रोहन अँड रोहन. And a round of applause for the two of them. सगळ्यात आधी या चित्रपटातली तिन्ही गाणी आपण पाहूया. चलिए सुनते हैं सोनू निगम और मिनल जैन की आवाज से सजा कोहिनूर. कैन वी हैव द फर्स्ट सॉन्ग प्लीज. पिक्चर्स बरोबर तुमचा दुसरा चित्रपट. हाऊ यू फील? हाऊ डू यू फील? सगळ्यात आधी तर तुम्हा सर्वांचे आभार इकडे आल्याबद्दल आणि पी पी पीचे आभार आम्हाला इकडे बोलवल्यासाठी. गिरी सरांना खूप मोठा थँक्यू. खरंच जसं तू म्हणते व्हेंटिलेटर वॉज अ बेंचमार्क, म्हणजे एक अप्रतिम फिल्म होती, सगळ्यांना खूप आवडली, गाणी पण त्याची लोकांना आवडली, त्यामुळे एक ॲडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती आमच्यावर. कारण ह्या फिल्मचा जॉनर एकदम वेगळा आहे, ती एक वेगळ्या धातडीची एक फिल्म होती आणि ही एक कम्प्लिटली आउट अँड आउट कमर्शियल फिल्म आहे, त्यामुळे त्यातली गाणी पण तशी होती. आय होप आम्ही लोकांनी आमच्या पार्टने चांगलं काम केलं, लोकांना आवडलंय असं वाटतंय. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू आल्याबद्दल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की बबल पेबल पिक्चर्स असं म्हणतो की दे आर व्हेरी ब्रेव, म्हणजे प्रियांका आणि डॉक्टर मधु चोप्रा, इट्स अ व्हेरी ब्रेव थिंग की तुम्ही एक्सपेरिमेंट करत राहा. तर जोपर्यंत एक्सपेरिमेंट करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही. आणि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हेंटिलेटर होतं आणि ते सुपर सक्सेसफुल झालं. त्याच्यानंतर इट इज व्हेरी सेफ टू मेक अ व्हेरी सेन्सिबल सिनेमा आणि खूप सिरियस सब्जेक्ट अँड ऑल दॅट. बट हे जे एक्सपेरिमेंट असतं ना त्याला खूप करेज लागतं आणि वी रिअली ॲप्रिशिएट, कारण का ह्या एक्सपेरिमेंटेशनमधूनच नवीन टॅलेंट बाहेर येतं, ह्या एक्सपेरिमेंटेशनमधूनच नवीन क्रिएटिव्स बाहेर येतात आणि कन्क्लुजन्स बाहेर येतात. तर म्हणजे फॉर अस व्हेंटिलेटर वॉज द फर्स्ट फिल्म अंडर देअर बॅनर आणि दॅट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह सुपर सक्सेसफुल फॉर अस. तर आय होप देअर एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ह सक्सेसफुल फॉर जर एका ओनली एनी वन डिपार्टमेंटसाठी पण इट बिकम सक्सेसफुल देन इट इज अ व्हेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. राईट. ॲक्च्युली इट फील्स रिअली गुड वाईल सेईंग दिस दॅट पर्पल पेबल पिक्चर्स कॉन्सन्ट्रेट्स ऑन न्यू कमर्स, ऑन डेब्यू डिरेक्टर्स, ॲक्टर्स, म्युझिक डिरेक्टर्स. सो इट इज अ बिग सपोर्ट अँड बॅकिंग फॉर न्यू टॅलेंट. थँक्यू व्हेरी मच रोहन अँड रोहन. थँक्यू. बेस्ट विशेस. यू कॅन प्लीज टेक अ सीट. थँक्यू. थँक्यू. आपण सगळेच जण स्वप्न बघत असतो आणि आपली काही स्वप्न पूर्ण होतात, काहींची स्वप्न पूर्ण होत नाहीत. तर काहींच्या स्वप्नांसाठी प्रियांका चोप्रा स्वतः आपला हात पुढे करते. असाच हात पुढे सरसावला आणि 47 इयर्सचे गिरिधरन स्वामी यांचं दिग्दर्शनाचं स्वप्न पूर्ण झालं. मे आय कॉल ऑन स्टेज मिस्टर गिरिधरन स्वामी, द डिरेक्टर ऑफ दिस फिल्म. नमस्कार. कैसा लग रहा है पहली फिल्म, इतना बड़ा बैनर? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? जय महाराष्ट्र. थैंक्स प्रियांका जी, मधु जी, मुझे इस मंच में मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिला उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद. आपका इस फिल्म के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा? मराठी कास्ट, मराठी फिल्म, हाउ इज इट? मैंने 20 साल से मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ. एज अ सिनेमाटोग्राफर 4-5 फिल्म्स किया है, मराठी फिल्म्स. तो मराठी मेरे लिए एक मातृभाषा का इक्वलेंटली मैंने माना हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हुआ मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिला मराठी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. फोटो प्लीज. सही है सर.
थैंक यू वेरी मच. रीजनल सिनेमा, रीजनल सिनेमा और रीजनल कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का सपना प्रियंका चोपड़ा ने देखा और उसे पूरा करने का श्रेय जाता है उनकी माँ डॉक्टर मधु चोपड़ा को. डॉक्टर मधु चोपड़ा यांची ओळख ही फक्त प्रियंकाची आई एवढीच नसून प्रादेशिक सिनेमा आणि रंगभूमी या माध्यमातील त्यांना खूप चांगली माहिती आहे, जाण आहे. पर्पल पेबल पिक्चर्सच्या प्रत्येक भाषेतल्या सिनेमाचं अगदी बारीक सारीक काम त्या जातीने पाहतात. आपला डॉक्टरी पेशा सांभाळून समर्थपणे या निर्मिती संस्थेचं काम उत्तम सांभाळतायत. आज उन्होंने मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, सिक्किमी, बंगाली भाषाओं में बेहतरीन फिल्में बनाए. राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के से लेकर कांस जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक पर्पल पेबल पिक्चर्स पहुंचा है. मे आई कॉल ऑन स्टेज डॉक्टर मधु चोपड़ा, द बैकबोन ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस. नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज करूंगी कि इतनी छोटी जगह में हमने आपको फिट करने को रिक्वेस्ट किया हुआ है. बड़ा लास्ट मिनट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रियंका कल ही पहुंची शाम को, और शाम को आकर उसने कहा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है आपके नेक्स्ट मराठी फिल्म के लिए, क्योंकि ये हमारे एजेंडा में वैसे आप सबके साथ बैठ के बात करने का था नहीं. वो प्रियंका ने आके बिल्कुल ही काया पलट कर दिया. प्लीज़ आप हमारे साथ अकोमोडेट करें. आई रिक्वेस्ट माई आर्टिस्ट ऑल्सो नॉट टू फील लाइक टू बैड अबाउट इट, बट दिस इज़ ऑल वी कुड गेट एज एन अवेलेबिलिटी इन द लास्ट मोमेंट. थैंक यू मैम. रिगार्डिंग द फिल्म, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन हाउस, वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. वी हैव सीन वेंटिलेटर, इट वॉज अ बिग सक्सेस, वी ऑल लव द फिल्म. टेल अस अबाउट दिस फिल्म एज वेल. Our production house is called Purple Pebble Productions, and Priyanka, when she set it up, she will tell you herself also. Our mandate was to give an approachable place for different kinds of talent to come and showcase what they have. Most importantly, new talent. She firmly believes in promoting and encouraging new talent, because when she came to Bombay, she did find it very, very difficult to find her feet initially, although she came as a Miss World. So for regular people, it can be so much more difficult. So Priyanka has offered her production house to encourage, and like Rohan just said, it's very courageous to be experimental. We don't want to be really experimental, but we want to take chances on newcomers. Thank you. Thank you very much, ma'am. प्लीज बी ऑन स्टेज विद अस. जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है वो घड़ी आ गई है. वो कब इंडिया में लैंड करेंगी, वो कब कुछ अपने बारे में ट्विटर पे बताएंगी, वो हमें कब नजर आएंगी, वी आर ऑल वेटिंग. और जैसे ही उन्होंने अपने दूसरे मराठी फिल्म की अनाउंसमेंट की, देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, अ लॉट ऑफ हैप्पी फेसेस. Everybody has been waiting to see her. May I call on stage to interact with all of you. Let's have a big round of applause for the global superstar, Priyanka Chopra. बहुत टाइम मिलेगा अपने को. थैंक यू. वील टेक अ मोमेंट प्लीज फॉर द वीडियो एज वेल, जस्ट अ मोमेंट फॉर द वीडियो, द फोटोग्राफर्स कैन टेक अ मोमेंट प्लीज. दैट्स फाइन, वी गॉट, हो गया ना अभी तो. दूंगी गाइस आप लोगों को, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेना. आई डोंट वांट टू कीप यू अनकंफर्टेबल लाइक माय मदर सेड एवरीबॉडी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑल ऑफ यू. This is a very special moment for me, because हम लोगों ने ये पहले नहीं किया है एक साथ स्टेज पर हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना. So I wanted to use the fact that Kaire Raskala is releasing tomorrow
to be able to talk to you today, to be able to talk to you about our film, about our company, and whatever else you want to talk about. I would like to introduce our actors, but before I do that, I want to take a second to talk about Purple Pebble Pictures. Purple Pebble Pictures, jaise meri maa ne bataya, humne establish kiya tha production company. Mere liye bahut zaruri baat thi ki naya talent jo hai, nayi chahe wo directors ho, actors ho, writers ho, musicians ho, jo bhi talent is film industry mein aana chahta hai, mauka bahut mushkil hota hai wo mauka milna, to get a foot inside the door. Aur mujhe malum tha main Miss World rahi tabhi bhi mere sath mushkilein hui. And hum ek production company ke taur pe apne aap ko waise set up karna chahte hain, where we take chances on new talent. And this film is a really, really amazing example of that. Hamare director jinse aap mile hain, Girdhar sir, please aaiye. Ye hum inki pehli film hai, Marathi film. Thank you sir. Aise nahi, aise milte hain. Congratulations. Inki pehli film hai. Main apne actors ko bhi bulana chahungi. सबसे पहले तो मैं बुलाऊंगी निहार को. आओ, छोटे से शुरू करते हैं. करेक्ट. हाय. ये इतना टैलेंटेड बच्चा है, इतना टैलेंटेड बच्चा है. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर इन आवर फिल्म. थैंक यू. ओके गौरव, प्लीज. थैंक यू. आई नो. Again, someone I'm extremely proud of. Of course, Gaurav has done work in films before, but I'm very happy that this is going to be his full-fledged leading man film, and I'm really happy that you decided to do it with us. Thanks a lot, ma'am. Thanks for the opportunity. No, of course. Thank you for coming. Then I would like to call Bhagyashree. Where is she? Oh, there you are. Good to see you. Please. Bhagyashree has done some amazing work in this film, extremely sweet and very, very nicely cast together. That's what I thought. Of course, Bhagyashree has done work before as well. But our, and I'm going to call then Aishwarya. Aishwarya's first film this is. Please come. Aishwarya was an assistant director with us on Ventilator. I'm good. And this is her first film. She was assistant director on our film, pe, Ventilator. Pe, aur ab, ये डेब्यू कर रही हैं हमारी ही फिल्म में. आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड आई वुड ऑफ कोर्स लाइक टू कॉल अक्षर. कहाँ हैं अक्षर, प्लीज. राइट. कंग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म. ऑलराइट. सुप्रिया जी कहाँ हैं? आइए सुप्रिया जी प्लीज. ऑफ कोर्स दिस इज फ्यू ऑफ आवर कास्ट. वी हैव लॉट्स ऑफ आवर कास्ट. यस. हाउ आर यू मैम? यू आर सो फनी इन दिस मूवी. थैंक यू. प्लीज आइए. श्रीकांत सर आप कहाँ हैं? आइए. I'd like you to get your pictures with the cast and then we'll do the Q&A. Nice to meet you. Come in. All right. This is just, I just wanted to introduce all of you all before hum log Q&A start kare. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you, of course. Thank you, ma'am. Thank you. Of course, sir. Thank you. Gautam and Nihar, stay on the stage with me, both of you. Bhagyashree and Aishwarya also. The four of you come stay. Acha, inko romantic lead mein ye dono ek saath nahi hai, by the way. Just carry Aksha, aap aa jao. बैलेंस करने के लिए. हाँ तो बुलाना बैलेंस करने के लिए, नहीं तो ये थोड़ा गड़बड़ लगेगा. ये मेरा रोमांटिक लीड है. दैट वर्क्स ना? करेक्ट है ना? चलेगा ना? अभी भी फोटो. कम क्लोजर गाइस. Thank you so much. I can, yes, please.
Yes. Hello. किसी के पास सवाल नहीं है ऐसा तो है। हाय हाय हाय। ये कैसे हो गया, हम तो बॉम्बे आए। ओके, हाय प्रियंका। कोशिश करूंगी, मुझे बड़ी कम आती है। प्रियंका, इन फ्रंट ऑफ यू। इकड़े तिकड़े बस उतना ही आता है। प्रियंका, इन फ्रंट ऑफ यू सेंटर। सबसे पहले स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में और इंडिया में भी। आपकी फिल्म आ रही है कार्य रसकला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। प्रियंका, हमने देखा कि यूएस के या फिर किसी भी स्ट्रीट में जाए या फिर ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग हो या किसी भी बिलबोर्ड पर आपकी तस्वीरें नज़र आती है। इट्स अ फर्स्ट थिंग, इट्स अ फर्स्ट टाइम कि इंडियन जो आर्टिस्ट है उनकी तस्वीरें हर जगह स्ट्रीट में बिलबोर्ड्स पर नजर आती है। आप वो टाइम स्क्वायर वगैरह की जो बात कर रहे हैं, जो अभी सब लोग, हाउ डज इट फील? वेल, आई हैव टू से कि आसान नहीं होता किसी और देश में जाना और वहाँ काम करना, शुरुआत करना इमीडिएटली बिना किसी एंटाइटलमेंट के। और मैं कहीं पे भी जब जाती हूँ एंटाइटलमेंट लेकर नहीं जाती कि मैं सो एंड सो हूँ तो मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर दूसरे देश में गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ और कहूँ कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और मैं एक इंडियन एक्टर हूँ। तो आई थिंक मुश्किलें रही हैं, बट एज एन एक्टर, एज अ वुमन, मैंने हमेशा बात सिर्फ अपने अचीवमेंट्स की है, क्योंकि वो आसान होता है बात करना कि देखो ये करने के बाद मुझे इस मुशक्क़त के बाद ये मिला। लेकिन अभी रिजल्ट आपके सामने हैं, जैसे इसलिए आपने मुझे वो सवाल पूछा। एंड होपफुली मैं इंडिया से जो जो कुछ चीज़ें सीखी हूँ और जो भी सीखने जा रही हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं इंटरनेशनली ले जाकर मुकाम बना सकूँगी। एंड मैं उसका ये मतलब सिर्फ अमेरिका या इंडिया या एक देश नहीं, मुझे एक या दो देशों से पेट नहीं भरेगा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। प्रियंका, हाय। हाय नश्मीना, आई एम फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। पर्पल पेबल पिक्चर्स, दो मूवी हुई है अब तक एंड काफ़ी आएगी। यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रीजनल सिनेमा विच इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सेलिब्रिटीज़ है जिनके प्रोडक्शन हाउसेज है लेकिन वो लोग बॉलीवुड मूवीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। आप यू आर ट्राइंग टू पुश मोर ऑन रीजनल सिनेमा, इफ़ यू कुड टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट, व्हाई? वेल, एज अ प्रोडक्शन हाउस फॉर बोथ मदर एंड मी, इट वॉज वेरी न्यू, and being able to work with wonderful actors like this and give opportunities to actors who want to do good work, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है मुंबई में ही, आप देख लें जहाँ हम लोग रहते हैं, पूरी इस हमारे देश में, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो द रीज़न फॉर एंड स्पेशली रीजनल सिनेमा को वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना या वो पोजिशनिंग देना, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वहाँ से भी कहानियाँ कितनी खूबसूरत आती हैं, चाहे आप हर स्टेट मर जाएं या आप, जैसे हमने अभी फिल्में बनाई, हम एक सिक्किमीज़ फिल्म बना रहे हैं, हमने मराठी फिल्में दो बनाई हैं, हम भोजपुरी बना रहे हैं, हम पंजाबी बनाई हैं, हमने हम बंगाली बना रहे हैं, ऑफ कोर्स हिंदी भी डेवलप हो रही है, इंग्लिश भी डेवलप कर रहे हैं हम। एज अ प्रोडक्शन हाउस हमने काफ़ी वक्त बिताया है फॉर द लास्ट 1-2 years इन ट्राइंग टू सी न्यू थिंग्स टू डिवेलप। सो हमारा डिवेलपमेंट प्रोसेस ऑफ कोर्स चालू है एंड दैट विल, आई डोंट नो व्हेन दैट विल हैपन, but hopefully I will do, of course I want to do Hindi films, but it has to be the right one. Meri har film ke liye wo right hona zaruri hota hai. So abhi we are working on things. Let's see when I'll be able to do Hindi, English. We're working on all. Hi Priyanka. Priyanka. Rakesh here from Filmi Mantra. Hi. तो आपने बहुत सारी अचीवमेंट की है, जैसे आपने पहले मिस वर्ल्ड बनी, फिर बॉलीवुड में काम किया, हॉलीवुड में काम किया, आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो अगर आपकी बुक आई तो उसका क्या टाइटल होगा, अगर आपके ऊपर कोई बुक लिखना चाहे तो? अभी तो बहुत चैप्टर्स बचे हैं, लेकिन अगर अभी किसी को बुक लिखनी थी मेरे बारे में तो उसका टाइटल होगा अनफिनिश्ड। प्रियंका, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आप पंजाबी फिल्में बना रही है, मराठी फिल्म तो है ही है, इसके साथ साथ हमने देखा है कि आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी रिलेटेड कई फिल्में बना रही हैं, जानना चाहते हैं कि इस रीजन की तरफ आपका रुझान कब आया और यहाँ के फिल्मों को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से आप आगे बढ़ने वाली हैं? वेल, एक्चुअली मैंने बहुत वक्त बिताया है, मेरे बड़े पापा, मेरे फूफा पोस्टेड थे गुवाहाटी में, मैं जा चुकी हूँ, जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, आपको पता होगा या नहीं, गुवाहाटी का फैशन सीन बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो मैंने बहुत सारे शोज़ वगैरह भी किए थे। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ऑल द लाइक द सेवन सिस्टर्स, बहुत ही ब्यूटिफुल ऑल द स्टेट्स। लेकिन जब मैं मैरी कॉम कर रही थी और मैं
मैं शूटिंग कर रही थी उस फिल्म की, तो और जब मेरी से मेरी बातें हुई और असम गई मैं, तो एक तरह से इग्नोर्ड है वो रीजन हमारे देश का, अनफॉर्चुनेटली. एंड व्हेन आई डिड मैरीकॉम आई रियलाइज दैट कि व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, एक तरह से इतना बढ़ावा नहीं मिलता है. सो दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू मी टू वर्क विद असम. हमने सिक्किम की फिल्म की है, हम असम की फिल्म कर रहे हैं. ऑफकोर्स मैं एम्बेसडर हूँ उनके, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ वी कीप वर्किंग ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल्सो फॉर टूरिज्म एट्सेट्रा. अभी रिसेंटली फ्लड्स भी हुए थे, सो वी हैव बीन इन कॉन्वर्सेशंस अबाउट व्हाट वी कैन डू. तो विच हैपन्स एवरी ईयर इन असम, लेकिन यू नो देर इज समथिंग दैट देर इज अ सिस्टम दैट कैन बी ब्रॉट इन. तो मेरे लिए जस्ट माई हार्ट हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू, मेरा थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है. तो जब मुझे ऐसा फील लगा व्हेन आई वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड आई फेल्ट लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे शुड बी गिवन दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट. यस प्लीज. थैंक यू. यू वांट अ माइक? आई मीन आई कैन हियर यू. यू टॉक अबाउट केआरआर? या I'm never satisfied with anything. Let's start with that. Basic. I'm never satisfied. But I am very proud of Girdhar sir. Where do you go? I'm very proud of my director to have made this film. It's a comedy family entertainer with these two especially running a game which is just very interesting and new. And I love that as an idea. I love the music. Rohan and Rohan, where are y'all? Yeah, there they are. Have done beautiful music for the film. So I'm extremely happy with the movie. And I mean, ab har film ki apni kismat hoti hai. Wo humko pata chal jayega aage jaate jaate. Hum sab ki apni kismat hogi. But hamari taraf se, of course, every film that comes out from my production house, I'm extremely proud of. What you think about, what it ends up as, cannot be in your control. Because I'm a producer of the film. My ability as a producer is ki main aapko mauka doon. Main involve nahi karti apne aapko zyada. मैं इन्वॉल्व करती हूँ वेल ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म. मैं स्क्रिप्ट लेवल पर और पोस्ट के लेवल पर अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ. बट या आई एम वेरी प्राउड ऑफ द मूवी. हेलो प्रियंका. हेलो प्रियंका. आशिका फ्रॉम ZTC. प्रियंका, ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि आप बहुत जल्द, आप और माधुरी दीक्षित जी अपकमिंग अमेरिकन TV शो को क्रो प्रोड्यूस करने वाले हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जानना चाहूँगी. मैं बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रही हूँ. जैसे ही फाइनलाइज करूँगी कुछ भी मैं आपको बताऊँगी. अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ. आई हैव बीन स्पेंट अबाउट अ ईयर एज अ प्रोड्यूसर डेवलपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई सेड, इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन ऑल माय रीजन्स, बिकॉज आई वांट टू टेल डिजिटली, आई वांट टू टेल डिफरेंट फन स्टोरीज. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे अनगिनत हैं. किस दिशा में जाएंगे वो, as soon as I find out, I'll tell you. Hi Priyanka, hi, welcome back, and we're really proud of you that you're doing so well internationally. And another celebrity, Mr. A.R. Rahman, is making us proud internationally. So recently, उन्होंने तो कब से proud किया है? Yeah, we all are, obviously. So in a recent concert, he has, of course, you're right. So in a recent concert in Wembley, London, most of the audiences walked out of his concert because it said that mostly he sang most of the songs in Tamil language. So do you feel somewhere that regionalizing the paramount of Indian singing world or industry brings in reeks of incognizance, because you know and you understand the international audience so well? So what do you have to say about the such gesture of audiences? First of all, it's rude anyway, but I don't know too much about this to be able to comment, because if I comment you will make 100 articles about it. So I don't want to say something I'm not sure about, but I mean, if you're only giving me that much information, that is what, then yeah, I that think is it's what. Rude. Hi Priyanka, I don't know more than that about. That is what it is about, actually. Hi Thank Priyanka, you. This is Monica from Hi Monica. Bollywood. Yeah, welcome back. You have to ask some questions to my actors, huh? Otherwise, I'm going to do this rude walk out. Okay. So since we know you are very versatile actor, singer, now film producer, and soon you are going to launch a website too. So can you just tell us website? I have a website. Yeah, but it's not launched yet. So soon you're going to launch. Me or for Purple Pebble? For my company? For your. Yeah. I'm PriyankaChopra.com. Yeah. So when you're going to launch it, and what special feature we are going to see in it? We are launching both websites. One will be mine, of course, which is IamPriyankaChopra.com, and a website for Purple Pebble Pictures as well.
I should actually put it on you. When are we doing this, Natasha? When will we be ready? Natasha says very soon. Okay. Hello. Priyanka ji, Aarti Saxena. Yeah. हाँ जी हाँ। प्रियंका जी, सब लोग आपके प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत हाई है और अनफिनिश्ड है, लेकिन आई होप आप बोल नहीं वाली कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं। नहीं वो तो आप है ही, लेकिन मुझे आपकी मम्मी की तरफ से पूछना है कि पर्सनल लेवल पे ना तो आप प्यार कर रही हैं, ना शादी कर रही है, ना फ्लर्ट कर रही है। अभी आपको मेरी जिंदगी के बारे में हर चीज तो नहीं पता है ना। अच्छा, मतलब कर रही है, चलो ठीक है, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। Some questions on the film, some questions to the cast, please. You're right, but I have been doing a lot of other things also. If I could clone myself, तब मैं जरूर छह चीजें करती, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ अभी तक, वो साइंटिस्ट ने अप्रूवल नहीं दिया है तो। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू व्हाट आई एम डूइंग, आई विल टेल यू, अभी मैंने ये जो दो फिल्में की हैं, आई जस्ट हैड वन और टू मंथ्स इन द मिडल बिफोर आई हैव टू स्टार्ट सीजन 3 फॉर क्वांटिको, तो ये दो क्विक फिल्म्स हैं बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म्स दैट द होल प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ, एंड दीज आर, प्लीज लेट मी टेल यू राइट नाउ ओनली, दीज आर नॉट सम प्रियंका चोपड़ा मूवी, सो डोंट गो इन देयर वॉचिंग दैट, दीज आर रियली इंटरेस्टिंग पार्ट्स which I have done in two really amazing films with some wonderful actors. And I feel it feels as an actor for me, bahut exciting baat hoti hai when you work with wonderful, you know, artists jo aapko better banate hain. So that is the reason I did these two films. I'm doing these two now, then I'll go into Quantico season 3. And uske baad agle saal I'll be doing a bunch of films. But Priyanka, what that is and when, I cannot say. Priyanka? Agli baar main iska jawab tabhi dungi. जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए होगा। प्रियंका, just continuing this question, there are lot of speculations on गुस्ताखियां, which will be like I said, there's lots of speculations on lots of. Anything you want to clear about? No, I don't, sir. I just said that there are lots of speculations on lots of films because I'm having lots of conversations. कौन सांस ले रहा है माइक में? थोड़ा माइक दूर करके सांस ले लो। Yeah, Hindi means Bollywood only, no? But English means that only, no? I just told you, I'm working on every language. Hindi, English, regional. What that ends up being, you can't, I don't know. But we are developing. So by English, you mean that becomes Hollywood then? Yeah, I'm talking about as a producer. Priyanka. Of course, I'm developing. Priyanka. When that'll be, I don't know. Priyanka, yes. You recently took the top slot on the social media in Hollywood for 2 weeks. No, my God. And leaving behind Dwayne Johnson. And your Baywatch co-star as well. Who was the number 9 position. Yeah, it was quite exciting. I think that is my fans. That is my well-wishers. It has nothing to do with me. मैं तो अपना ही लिखती हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं सोशल मीडिया पे लिख देती हूँ. बट जिस तरह का इंटरेक्शन मेरे फैंस और मेरे वेल विशर्स सोशल पे मेरे साथ करते हैं, आई मीन दैट इज़ कम्प्लीटली अ क्रेडिट टू देम, दैट दे आर दैट एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड बाय मी. एंड या माय को एक्टर्स एक्चुअली गेव मी लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस अबाउट इट. मुझे बड़ी शर्म आई. प्रियंका, सांस लेना बंद करो आजकल सांसों की. अरे माइक पे प्रियंका, अटेंशन के लिए सुमित तुम सांस ले रहे थे माइक पे. मैम, आजकल सांसों की आवाजें होती हैं, बाकी तो देखो, इस एक रीजन के लिए ना मैं बड़ा मिस करती हूँ बॉम्बे को. कंटिन्यू. गुड इवनिंग प्रियंका. ऐसी लाइनें कोई नहीं मारता मुझे. वाह. पूछो सुमित. क्या सब को सवाल तो पूछ लेने दो, पीछे मत जाओ. बेटर लाइटिंग. हाँ सुमित, बोलो. बहुत सुनसान हो जाता है, आप यहाँ नहीं रहती. आते रहा कब. थैंक यू. आप यहाँ करूँगी ज्यादा. हाँ, आप यहाँ आ गई, लेकिन पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे गई हुई आपकी, मतलब उस शहर में. तो वो तो आपको पता है ना, मैं हमेशा उल्टा ही करती हूँ. नॉर्मल तो करती नहीं मैं, नॉर्मल इज बोरिंग. पर कोई भी अवार्ड फंक्शन आपके बिना सुनसान ही रहता है, तो वो भी कहीं ऐसा ना हो जाए. तो उसका मैं क्या करूं? यहाँ आ गए ना. मेरा बर्थडे है, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ. मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था इस साल.
हम लोगों ने वक्त नहीं बिताया है एट ऑल टुगेदर बिकॉज हम लोग बिटवीन माई ब्रदर माई मदर एंड मी बॉम्बे पूना अमेरिका हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं था एंड अनफॉर्चुनेटली आई फेल एट द सेम टाइम तो मैं अपने फैमिली के साथ छुट्टी पे जा रही हूँ. अच्छा प्रियंका वो तो अभी डिजर्व करती हूँ ना एटलीस्ट 4-5 दिन तो. आई आस्क यू क्वेश्चन जी जस्ट आई आस्क यू कास्ट मेंबर्स आल्सो फर्स्ट कास्ट मेंबर से भी पूछ लूँ ना. क्या पूछ रहे हैं आप कुछ तो मतलब तो सवाल तो पूछोगे ना कि मैं पूछूं. मैं ही पूछ रहा हूँ ना तो मैं कह रहा हूँ कि आई कम बैक टू यू आफ्टर आस्किंग देम सो आस्क ना. हाँ तो बस अरे आई एम टेकिंग योर सर वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट टू क्वेश्चन. नो 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 मैम अभी नहीं. सो वी कांट आई एम वेरी सॉरी वी नीड टू टेक अदर क्वेश्चंस. डॉक्टर मधु आस्क आस्क हू वन. नो नो योर मॉम. ओ माय मदर. व्हाई डिड यू ऑल नेम दिस प्रोडक्शन कंपनी एज पर्पल पेबल. Why we made Purple Pebble? No, no, no. Why the name? नाम के लिए आप पूछ रहे हो. आपको अच्छी लगी नाम पहले ये बता. प्रियंका से मैच कर रहा है या नहीं. हाँ बिल्कुल. Unusual, exotic. Correct. Out of the world, charming. Well, I'll give you a quick reason because we discussed it. Purple क्योंकि purple at least India में royalty का color होता है and हम अपने आप को royalty समझते हैं. हमारे पास ब्लू ब्लड नहीं है लेकिन अपना ब्लड है. अच्छा सॉरी मेरी मॉम के पास ब्लू ब्लड है ये कभी नहीं कहना मम्मी को. बट दैट्स द रीजन बिकॉज वी वॉन्ट टू बी अ पायनियर इन टर्म्स ऑफ एज अ कंपनी एंड पेबल क्योंकि हम रोलिंग स्टोन नहीं है. वी आर नॉट अ वेरी बिग कंपनी. वी आर अ स्मॉल लिटल कंपनी ट्राइंग टू मेक रियली गुड कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म विद न्यू टैलेंट एंड हमको वो बात पता है. That's why Purple Pebble Pictures. Hi, Priyanka. One, one, Sumita, somebody else has to ask a question. Priyanka, hi, this is Jayanti. Where are you? Yeah. Okay. 18 July को आपका बर्थडे है और काफी दिनों बाद आप आई है तो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है और मराठी फिल्म है. मैंने अभी जवाब दिया था उसका ना. I'm going with my family for outside the country. और आपकी तीसरी मराठी फिल्म कुछ है कुछ प्लान्स उसके बारे में. जी हाँ हमारी काफ़ी फिल्म्स हैं बट एज सून एज वी फाइनलाइज एंड ग्रीन लाइट आर फिल्म्स देन वील कीप मेकिंग अनाउंसमेंट्स एज वी गो फॉरवर्ड. लेकिन जी हाँ वी आर इन कॉन्वर्सेशंस फॉर आर थर्ड मराठी फिल्म ऑलरेडी. नमस्कार प्रियंका. हाय कैसे हो. बिल्कुल ठीक. तर कायरे रास्कलामध्ये आम्ही तुमचा कॅमियो मिस किया. हमने कॅमियो मिस किया आपका तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे. आई डिड टू लेकिन हर फिल्म में मैं कैमियो नहीं कर सकती हूँ एंड मैं अपनी कंपनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी कंपनी और जो फिल्में मैं प्रोड्यूस करूं वो अपने बलबूते पे खड़ी हों. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट विन फॉर मी एज अ प्रोड्यूसर. तो मेरी कोशिश वो अभी थोड़ी जारी है टू लेट द स्पॉटलाइट बी ऑन द टैलेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड नॉट ऑन मी. प्रियंका इसलिए प्रियंका प्रियंका वन लास्ट क्वेश्चन. प्रियंका यो तमन्ना. हाँ हाँ सुनने में आया है कि वेंटिलेटर का रीमेक बनने जा रहा है तो क्या आप साउथ में भी उसमें पार्ट लेंगे. I don't know yet. Too early to say that. मुझे नहीं पता. और मैं स्टार कास्ट से पूछना चाहती हूँ. वो creatively decisions जब आगे जाएंगे then. एक सवाल स्टार कास्ट से. आप सबको as a producer प्रियंका के साथ काम करके कैसा लगा. Well, बहुत ही अच्छा लगा हम सबको क्योंकि for a commoner to stand on this stage, it is yeah we are all common people and we are one among the crowd and she picked us up because of our talent. और जैसे कि उन्होंने कहा talented तो बहुत होते हैं लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी कौन देता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इस प्लेटफॉर्म पे वो अपॉर्चुनिटी मिली है. वी कुडंट बी मोर थैंकफुल. थैंक यू. थैंक यू प्रियंका. विशिंग आई एम वेरी सॉरी. काय सांगितलं मी काय लग्नाची घाई करा. ओ कारण ही माझी लव इंटरेस्ट है ना फिल्म मध्ये तर म्हणून म्हणालो की लग्नाची घाई करा माझ्याबरोबर लग्न करा. माझं जे काही म्हणणं आहे ते तुम्हाला फिल्म बघितल्यानंतर कळेलच. सम क्वेश्चन टू द अदर ऍक्टर्स. अक्षर यू आर आस्किंग अबाउट हाउ वी फील पर्पल पेबल के साथ काम करके. आई एम फ्रॉम शोलापूर महाराष्ट्र. आई हैव डन 4 सीरियल्स एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ फिल्म. बहुत प्रयास कर रहा था मैं एक फिल्म मिलने के लिए एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. पर्पल पेबल ची पहली फिल्म मिलणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण ज्या पद्धतीचं पॅम्परिंग पर्पल पेबल करतं ॲक्टर्सचं तसं कुठेच नाही होत. खूप फ्रँकली सांगतोय कारण मुंबईत आल्यापासून बऱ्याच मालिका केलेल्या आहेत. सगळं इंडस्ट्री
मधून काम केलेलं आहे, पण ज्या पद्धतीचं पॅम्परिंग कलाकारांना मिळतं इट्स अमेझिंग. आणि ते मग कुठल्याही कलाकारासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही तेवढ्याच ताकदीनं, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुम्ही तेवढ्याच ताकदीनं ते काम करावं. आणि खरंच खूप छान वाटलं पर्पल बबल. अँड येस, माझ्यासारख्या अनेक मुलांना जे महाराष्ट्रातून म्हणजे मुंबई पुणे या मोठ्या शहरात नसतील जर वाढलेले, त्यांच्यासाठी पर्पल पेबल इथे आहे. प्रियंका चोप्रा इज हियर, मधु चोप्रा इज हियर, सो वी हॅव नथिंग टू वरी अबाउट इट. प्रियंका, मधु मॅम, प्रियंका, मधु मॅम, आय वॉन्ट टू हियर हिज वॉइस. कुछ तो अच्छी लगा, अच्छा लगा फिल्म में काम करके. हाँ, मुझे फिल्म में काम करके इतना मस्त लगा कि मैं अभी मराठी में बोल, मराठी में बोलो अगर बोलना है तो, या हिंदी में बोलो. मराठी में बोलता हूँ. बोलो. मला काही रासकला मध्ये काम करून खूप मजा आली. आणि मी खूप आभारी आहे प्रियंका दीदीला, मधु आंटींना आणि गिरीधरन सरांना, स्पेशली गिरी सर. गिरी सर म्हणजे सगळ्या ऍक्टर्सनी मला खूप कॉपरेट केलं आहे. सबसे अच्छा कौन था पूरे कास्ट में, इन चारों में से सबसे बुरा कौन था, चल बता. सबसे बुरा सबसे बुरा तो बाय द वे कोई नहीं था. अच्छा, सबसे अच्छा कौन था, वो भी पिक करेगा तो बाकी डमारेंगे हम बाद में, बता रही हूँ बस. सबसे अच्छा तो था मैं थी सबसे बेस्ट मैं प्रियंका दीदी थी. प्रियंका दीदी, चल इजी इजी वे आउट. जब मुझे कंफर्मेशन मिला था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, तो मैंने मधु आंटी को यही कहा था कि यू मेक ड्रीम्स कम ट्रू. सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और मेरी मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था, बिकॉज हमारा कास्ट बहुत सपोर्टिव था. ये मेरा फर्स्ट फिल्म है तो किसी ने मुझे ये फील होने नहीं दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू गिरी सर, आप भी बहुत बहुत हेल्पफुल थे. और आई होप आप सबको हमारी मूवी अच्छी लगे. और यस, थैंक यू. सब आर्टिस्ट को मेरा एक सवाल है, सब आर्टिस्ट को एक सवाल है कि आज का ये दिन कितना स्पेशल है आपके लिए. गौरव भाग्यश्री, प्लीज टेल समथिंग. प्रियंका इज हियर. और मधु मैम के लिए एक सवाल है कि आप कब कैमियो करेंगे, आप कब कैमियो करेंगे किसी फिल्म में. आप मुझे अपने सामने खड़े देखकर ही देख रहे होंगे कि मैं पसीने पसीने हो रही हूँ. कैमियो तो बहुत दूर की बात. स्टिल फोटो नहीं लिया जा सकता इनका, स्टिल फोटो नहीं दे पाती हैं, इतनी शर्म. ओहो, डोंट टेक फोटो. कैमियो मुझे देखना है एक दिन मॉम, ये तो दिमाग में डाल दिया मेरे. अब सो हम तो बहुत ही खुश हैं एक्चुअली. कल रात को हमें समझा कि मैम आ रही हैं, तो वी ऑल वर एक्साइटेड, क्योंकि अभी शी हैज द मिडास टच. सो आई होप वी ऑल्सो गेट द मिडास. हमेशा नहीं होता है. But yes, we'll take it. हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है and हर इंसान की अपनी किस्मत होती है. बस you have to do hard work. बस प्रियंका कहाँ गई आप? I don't take that pressure. I don't take pressure in life. I do what I want to do and I do it when I want to do it. I've always been that person. Like I said, I like to, the films that I'm making in my production house and the way we are going forward, it's very important for us to be able to give opportunities to new talent. And sometimes that works, sometimes that doesn't work. That does not mean as producers we will not give the same opportunities. Even Rajesh sir for Ventilator, it was his first Marathi film. You know, so that kind of pressure not right for any film. It's not right to put that feeling on anyone. I don't even feel that as an actor, so I would definitely not put it on my films for sure. Priyanka, you are now part of Academy Awards committee. What it means to you and how does this happen? I don't know how it happened. They sent me an invitation and I said yes. So is it required? How did it happen means I don't know. Hi, Priyanka. Ek minute, but I'll give you the pura samajhne do. So I don't know how it happened, Sumit. They sent me an invite. We accepted, and I feel really grateful to the Academy for including
including such a diverse amount of people from around the world. And I do think they ask us opinions when you're a member of the Academy. And I hope my opinion and my views, which I'm very clear about, and I said also, is that the Academy opens itself up to nominations for films which are foreign language films outside of just one category. I hope that that is something that happens with the Academy, because there are so many films that come from the world, in world cinema, that are being made, even Indian films, where we have, our talent has won awards. It has been for films not made by India, you know? So because the opportunities are less. So I hope that is something that changes, and I hope I can contribute to that. Priyanka, ab main mic aayega nahi haath mein, last suno Sumit, kisi aur ko puchna, sabhi ne puch liya naam badal balke. Hi, this is Priyanka. So, Priyanka, how do you react to things when they're said, when people say that you consider yourself a Hollywood star, hence you snub an Indian Film Award? Does every actor do every award every year? How many other actors have not gone for this award? Did you ask them that question? Things were written about you. It's my birthday, man. That's all it was. Don't overthink it. Don't. Thank you. Priyanka ji. पूछ के बैठ जाएगी, डरा दो सबको तुम लोग. You were doing a lot of singles, you know, music, you know, you was doing a lot of singles, and you know, now suddenly there's a little pause, if I may believe that. It's not sudden, it's very deliberate. Okay. When you do music, you have to have the time and the ability to be able to promote it. Correct. I'm doing so much work in terms of my acting and producing that I have not had the time, and main kabhi bhi kisi cheez ko aadha nahi karti. अगर मैं करूंगी तो 100% दूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी मैं. मुझे पूरा करना है. Expect something coming soon, or are you planning or anything? At the moment, no. Not at the moment. I mean, I will sing. जैसे मैंने वेंटिलेटर में इधर उधर करके I sing because मेरे भड़ास निकल जाती है. But not as a single, no. Right. All right. Thank you so much. Priyanka ji. Thank you guys. हाँ, Priyanka ji, एक important question regarding your Marathi film. Sir. Priyanka ji से और मधु जी से है कि what is the hook line of the subject of this film, जिसने आपको इसे बनाने के लिए प्रेरित किया? फंसो और हंसो. इसमें हमारे कॉन आर्टिस्ट जो है, पहले उनको फांसते हैं, फिर आप सबको उसके पीछे हंसाते हैं. इसका हुक लाइन वही है, फंसो और हंसो. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू.